भारत की राजनीति में कुछ ऐसी शख्सियतें हुई हैं, जो संविधान की रक्षा और कानून के सम्मान के लिए आजीवन समर्पित रही। इन्हीं में एक महान हस्ती रहे स्वर्गीय शांति भूषण जी। एक कानूनविद से देश के कानून मंत्री तक का सफर तय करने वाले शांति भूषण जी का व्यक्तित्व बहुत विशाल रहा है। उनका पूरा जीवन न्याय के प्रति अटूट निष्ठा और अटूट प्रतिबद्धता का एक ज्वलंत उदाहरण रहा है। 11 नवंबर 1925 को जन्मे इस प्रतिष्ठित राजनेता और कानूनविद ने देश के परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी महान विरासत देशवासियों को समाज सेवा में कानून की शक्तियों के इस्तेमाल और वंचितों को न्याय दिलाने के उनके प्रयासों की याद दिलाती रहेगी। राजनीति में स्वर्गीय शांति भूषण जी जनता पार्टी के गठन से लेकर देश के कानून मंत्री बनने तक लगातार सक्रिय रहे। शांति भूषण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुचर्चित मामले में राजनारायण जी का प्रतिनिधित्व किया था। 1974 के इस केस में कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटने का आदेश दिया। इसी के बाद जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो शांति भूषण जी ने मोरारजी देसाई सरकार में 1977 से 1979 तक कानून मंत्री के रूप में दायित्व संभाला। वे 14 जुलाई 1977 से 2 अप्रैल 1980 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। शांति भूषण जी के बेटे प्रशांत भूषण और जयंत भूषण भी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। जीवन के अंतिम समय तक शांति भूषण जी कानूनी पेशे में सक्रिय रहे और कुछ साल पहले शीर्ष अदालत में दायर उस जनहित याचिका पर बहस की थी, जिसमें राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध किया गया था। जीवन भर सच्चाई के लिए संघर्ष करने वाले इस महायोद्धा ने 31 जनवरी 2023 को 97 वर्ष की उम्र में महाप्रयाण कर लिया। पूरे जीवन उन्होंने लोकतंत्र, पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट आस्था दिखाई और लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे। शांति भूषण जी के इसी योगदान को DPMI हमेशा याद करता रहेगा। शांति भूषण जी की विरासत का सम्मान करने के लिए DPMI ने प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को शांति दिवस के तौर पर मनाया है। इस वर्ष 11 नवंबर 2023 को स्वर्गीय शांति भूषण जी की जन्मतिथि पर वार्षिक रक्तदान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। DPMI में यह पहला आयोजन है जब वे हमारे बीच नहीं है। संस्थान में इस प्रकार के कई कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन रक्तदान शिविर हमें परोपकारी भाव और रक्तदान के निस्वार्थ कार्य के माध्यम से जीवन बचाने की DPMI की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो शांति भूषण जी के दिल के भी करीब रहा है। ये रक्तदान शिविर आर्म्ड फोर्सेज ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट के सहयोग से मानवीय कारणों के प्रति DPMI के समर्पण का प्रतीक है।